साथियों, हमारे देश में कितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है इससे आप सभी भली भांति परिचित है। माना जाता है कि साल 2030 तक हमारी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 60 करोड़ को पार कर जाएगी। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक अवसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सीमा में ही फ्लाईओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। इसलिए आज हमारी सरकार मास ट्रांसपोर्टेशन के साधनों और विशेषकर मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दे रही है। 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इक्का दुक्का शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी। आज देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो या तो ऑपरेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। मुंबई हो, पुणे पिंपरी चिंचवड़ हो, ठाणे हो, नागपुर हो, आज महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के इस अवसर पर मेरा एक आग्रह पुणे और हर उस शहर के लोगों से है जहां मेट्रो चल रही है। मैं प्रबुद्ध नागरिकों से विशेष आग्रह करूंगा, समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, मेट्रो में यात्रा की आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए। आप जितना ज्यादा मेट्रो में चलेंगे उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे।